Morning friends, welcome to PD classes. Today we have a very important session for all those who want to make their career in marketing. और आज का जो हमारा इंटरव्यू सेशन है वो बेस्ड है मार्केटिंग स्पेशली सेल्समैनशिप। तो देखते हैं कि हम आज हमारे सेशन से क्या सीखते हैं नया और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको क्या बेनिफिट मिलता है इस इंटरव्यू से जो भी मार्केटिंग लाइन के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो हेलो पूनम, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, थैंक यू। पूनम, यू वांट टू गो इन मार्केटिंग? यस यस। सो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा ये जानना कि आप मार्केटिंग लाइन में अपना करियर क्यों बनाना चाहते हैं। सर, मार्केटिंग आज के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर हम मार्केटिंग में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे इतनी मनी है, जितना हम वर्क करते हैं उतनी हमें मनी मिलती है, इवन गवर्नमेंट जॉब से भी ज्यादा अच्छी मैं मार्केटिंग समझती हूँ। ओके, और पूनम आपकी हॉबीज क्या है? सर, आई लाइक टू मीट न्यू पीपल्स एंड हमें मतलब हर किसी को शौक होता है घूमने का। सर, मुझे भी बहुत शौक है घूमने का, नई नई प्लेसेस पे जाना, और मार्केटिंग के जरिए हम ये सब कुछ कर सकते हैं। सर, नए लोगों से मिलते हैं और नई नई जगह पे हम जाते हैं, ठीक है, और साथ में हमें आज जो मार्केटिंग में स्कोप है वो और किसी चीज में नहीं मिलता। ओके, एज यू स्टेटेड कि आपको नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, इंटरेक्शन अच्छा लगता है, तो यू कैन स्टेट इवन दिस कि इसीलिए आप मार्केटिंग लाइन के अंदर आना चाहते हैं क्योंकि स्काई इज द लिमिट फॉर दिस प्रोफेशन। यस, और मार्केटिंग इज समथिंग लाइक सेलिंग अ कॉम्ब टू अ ब्लाइंड मैन। यस, एक गंजे को कंघा बेचना मार्केटिंग है। अब अगर हमारे व्यूअर्स कहेंगे कैसे पॉसिबल है, तो बिल्कुल है कि आपको बेचना है, उसे कंज्यूम नहीं करवाना क्योंकि उसके बाल तो है ही नहीं, पर एटलीस्ट अपनी वाइफ के लिए तो ले सकता है। हमें तो बेचने से मतलब है। चलिए, अब मैं आप चाहूंगा सबसे पहले जानना कि अगर आपको मार्केटिंग लाइन के अंदर जाना है तो कुछ स्किल्स तो आपने अंदर डेवलप होगी। Yes. तो आप वॉच वियर करती हैं? Yes, क्या आप इस वॉच को सेल कर सकते हैं? Yes, sir. लोग चेक करें जरा कि मार्केटिंग लाइन के अंदर आने वाली गर्ल सेल कैसे करेगी, कितनी अच्छी सैलरी है उसकी। लेट मी सी, बताइए। सर, आई एम पूनम। ओके, एंड ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया सर अभी। ओके, और मैं ओरिफ्लेम में एज कंसल्टेंट काम कर रही हूँ। ये वॉच मैंने वियर की हुई है, सॉरी, ये वॉच मैं आपको सेल करने के बिहाफ पे हूँ। ओके, किस कंपनी की है ये? सर, ये क्वार्ट्ज कंपनी की घड़ी है और इसके अंदर सर सर्वोस की डायमंड लगे हुए हैं जो कि बहुत ही प्रीशियस डायमंड्स हैं। और इसकी जो ये बेल्ट है सर, ये भी खराब नहीं होती। अदर कंपनीज क्या करते हैं कि इसको चेंज कर देती है, पूरी तरह से क्लेम नहीं हो पाता, ये पूरी तरह से आपको चेंज भी होगी और मनी बैक गारंटी भी रहेगी अगर ये आपकी खराब हो जाती है। right. तो सर ये आप देखिए, और अभी राखी ऑफर चल रहा है सर, इसके ऊपर yes. आपको टू वॉचेस लेने पे 20% लेस पे मिल जाएगा। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा ऑफर है। तो व्हेनेवर सच अ थिंग इज गिवन टू स्टूडेंट्स टू अस डेफिनेटली कंसीडर हैविंग गर्ल्स, कि हमें कोई भी चीज, चाहे हमें वॉच मिलती है या पेन मिलता है, लैपटॉप भी बेचने को मिलता है, तो सबसे पहले नो डाउट पूनम ने बिल्कुल सही किया, अपना इंट्रोडक्शन दिया कि सर मैंने ग्रेजुएशन किया है और मैं इस क्वार्ट्ज कंपनी के अंदर वर्क कर रही हूँ। राइट, उसके बाद नो डाउट आप बता सकते हैं कुछ भी, जैसे वाटर प्रूफ वाली बात आ सकती है वॉच के लिए, वॉच के डायल्स के बारे में डिस्कस हो सकता है, इन्होंने डायमंड्स को शेयर किया, बहुत अच्छा लाइन लगी मुझे। तो ऑल दिस थिंग्स, इवन इन्होंने जो बात कही कि सम डिस्काउंट इज देयर, स्पेशली द रक्षाबंधन ऑफर which really attracts the customers, so it is the best thing for marketing, I can say. American Association ने भी यही कहा है कि marketing के अंदर students main thing आती है relations. If you are having good relations, definitely customer will come to you again. Selling और marketing में यही difference है. Selling के अंदर सिर्फ हम product को sell out कर देते हैं, और marketing के अंदर we require a person where the customer should come again and again to us for purchase of same things. आपने पुनः एक कंपनी का नाम लिया था, यहाँ पर भी लिखा हुआ है Oriflame. आपको gift मिली है? Yes sir. Okay. तो ओरिफ्लेम क्या प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है? सर, ओरिफ्लेम थ्री प्रोटोटाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होता है जिसमें मेंस, वुमेन्स एंड बैलेंस प्रोडक्ट्स होते हैं। okay. जो कि बोथ के लिए होते हैं। राइट, सो मेल और फीमेल बोथ जेंडर्स के लिए जो चीज अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आप हर तरीके के प्रोडक्ट्स आपने सेल किए होंगे। यस सर। तो अक्सर लोग सनस्क्रीन लगाते हैं, यस, और समर्स में तो बहुत ज्यादा। यस सर। तो सनस्क्रीन लोशन कुछ ऐसा आता है आपके यहाँ पर? यस सर। ओके, तो किस नाम से आता है? सर, SPF से ही आता है। ओके, तो मान लीजिए आपको सनस्क्रीन लोशन को हमें बताना है, तो किस वे में आप उसको प्रेजेंट करते हैं कि कस्टमर एकदम से अट्रैक्ट हो जाएगी, हाँ यार ये लेडी बिल्कुल सही बता रही है, उनके बताने का अंदाज बहुत अच्छा है। यस, एज आज हम आई एम
am Poonam. Okay. Working with Oriflame. Okay. डेढ़ साल से मैं Oriflame कर रही हूँ सर. Right. And अगर आप धूप मतलब अगर मैं धूप पे जाता हूँ तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मेरी स्किन में प्रॉब्लम होती है. आज अगर आज की जो एनवायरमेंट है सर बहुत ही गर्म है. अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको आप फील करेंगे कि आपकी सिर्फ स्किन ब्लैक नहीं हुई, बर्न हो गई है बल्कि. बिल्कुल, क्योंकि टेम्परेचर ही हमारे एरिया राजस्थान के अंदर 51 डिग्री तक चला जाता है. तो ऑब्वियसली ये चीजें तो नॉर्मल है, हम लोग इसके यूज टू है इन चीजों के. तो क्या ऐसा उपाय करें जिससे सनस्क्रीन ना अल्ट्रावायलेट रेज ना हार्मफुल हो हमारी. हाँ जी, तो जो हमारी प्रोडक्ट हमारा जो प्रोडक्ट है सर इसे लगा के आप फील करेंगे कि हमें यूवी रेज से भी सकते हैं और साथ में हमें इससे ब्लैकनेस भी नहीं होती सर. ओके. ठीक है, एक तो हमारी स्किन में ब्लैकनेस नहीं आती और साथ में सनबर्न नहीं होता. जिन लेडीज को ज्यादातर सनबर्न की प्रॉब्लम रहती है वो भी इससे सॉर्ट आउट हो जाती है. वेरी पूनम, आप अगर मार्केटिंग लाइन में आना चाहती है तो आप मुझे बता सकती है कि एक मार्केटिंग पर्सन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो जाए आपके हिसाब से. सर सबसे ज्यादा जरूरी है स्किल्स बोलने की. ओके. ठीक है, अगर कोई मतलब पूरी तरह से नहीं बोल पाता, हेजिटेट होता है. वैसे तो सर मार्केटिंग खुद सिखा देती है, हम जितने नए नए लोगों से मिलते हैं उतना ही नया नया बोलना सीखते हैं. right. सिर्फ जब मैंने स्टार्ट किया था तो फ्रेंड्स सर्कल से स्टार्ट किया था. yes. उसके बाद मैंने सर अदर में आउटर सर्कल होता है. yes. आउटर सर्कल में हम गए, नए लोगों से डिफरेंट लोगों से मिले, अलग अलग चीजें हमने फेस आउट की, उन्हीं से हम बोलना सीखे कि हमें क्या बोलना है. ठीक है, तो और क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए मार्केटिंग पर्सन के अंदर. आई थिंक मार्केटिंग पर्सन को के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट बातें जैसे वो बहुत पंक्चुअल होना चाहिए. yes. क्योंकि टाइम को जो रेस्पेक्ट देता है तो डेफिनेटली कस्टमर जो आपके सामने जो बैठा है क्लाइंट डेफिनेटली उसको बहुत अच्छा फील होगा. पंक्चुअल बिल्कुल अग्री करती हूँ सर आपसे. कई बार ऐसा होता है कि कोई पंक्चुअल नहीं है और किसी कस्टमर को आपने टाइम दे दिया, उस टाइम पे आप नहीं पहुंच गए तो वो बहुत ही खराब. बिल्कुल, तो ये जो हुई हमारी क्वालिटीज ऑफ मार्केटिंग पर्सन. यस, तो पूनम आप हमें बता सकते हैं कि अगर आप मार्केटिंग जॉब के लिए आई है तो हम आपको क्यों सिलेक्ट करें एज अ मार्केटिंग पर्सन, हम आपको क्यों इस जॉब के लिए रखें, आपके अंदर ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज है. सर आई हैव स्किल ऑफ टॉकिंग सर, मैं मतलब बोल सकती हूँ इस चीज को. मैंने जितना मेरा ये काम किया उसके अकॉर्डिंग मैं अपना एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करती हूँ. एज Oriflame कंसल्टेंट मैं कह सकती हूँ कि मैं अगर कोई लेडीज कहती है ना मैं मैम कुछ नहीं लगाती. ठीक है, तो भी मैं उस मंदी को सेल कर सकती हूँ प्रोडक्ट. वेरी नाइस. तो स्टूडेंट्स आप अच्छे से जानते हैं मार्केटिंग लाइन के अंदर MBA कंपनी है, Oriflame है, और भी बहुत सी कंपनीज जो रन कर रही है, EBS भी कुछ अलग तरीके की मार्केटिंग करती. तो जितना भी मार्केटिंग बेस्ड कैंडिडेट्स होते हैं या हम कहेंगे मार्केटिंग के अंदर अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, इवन फार्मा में भी आप अच्छे से जानते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी मार्केटिंग ही करते हैं, इनडायरेक्ट मार्केटिंग जिसे बोला जाता है. तो ऑल दिस मार्केटिंग नीड्स वन थिंग, दैट इज योर गट्स, योर कॉन्फिडेंस. यूर कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक विद कस्टमर डेफिनेटली यू कैन इंप्रेस द पीपल. एंड रियली इफ योर प्रेजेंटेशन स्किल्स आर गुड, रियली इट मैटर्स अ लॉट व्हेन यू आर एबल टू प्रेजेंट द थिंग्स इन डिफरेंट डिफरेंट वेज, बिकॉज लैंग्वेज प्लेज अ वाइटल रोल ओवर देयर. अगर आपका लैंग्वेज में कमांड है, हिंदी इंग्लिश पंजाबी मारवाड़ी, अगर आप चारों पांच लैंग्वेजेस पे कमांड रखते हो अपने एरिया की. हाँ, अगर आप मराठी एरिया में रहते हो तो ऑब्वियस है बॉम्बे के लड़के को मराठी आनी चाहिए, बिहार के लड़के को अदर लैंग्वेज आनी चाहिए, इवन कुछ जगह पर उर्दू भी चलती है बिहार में, तो बहुत से अलग अलग लोगों की भाषा है, भोजपुरी वगैरह बिहार में चलती है. तो लोकल लैंग्वेज के अलावा अगर कुछ इंटरनेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज को हमारी कमांड बन जाए, मार्केटिंग इज वेरी इजी. जैसा पूनम ने बताया कि मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज कॉम्पिटेटिव सिनेरियो, आज के दौर में मार्केटिंग के लिए बहुत रनअप हो रहा है. तो एक मेजर क्वेश्चन जो मार्केटिंग में पूछ लिया जाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सैलरी कितनी चाहिए. यस, तो जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली कि आपसे कोई भी इंप्लॉयर हमेशा यही पूछेगा कि आपको कितनी सैलरी चाहिए. तो उस समय पूनम आपके हिसाब से क्या बेस्ट आंसर रहता है, अगर हम आपसे पूछे आपको कितनी सैलरी चाहिए तो आप क्या आंसर देंगे. सर आज की जो नीड है वो हमारी बहुत ऊपर है. okay. जो आज खर्चा है उस अकॉर्डिंग मैं 20 के ऊपर जाऊंगी. okay. तो बिल्कुल पूनम ने एक नॉर्मल आंसर दिया कि सर मेरे को 25 अबोव सैलरी चाहिए. बिल्कुल ये तरीके पे सही है क्योंकि एक ऑर्डिनरी पर्सन बिल्कुल इसी तरीके से आंसरिंग करेगा. और स्टूडेंट्स अगर कल अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और मार्केटिंग फील्ड के, तो बिल्कुल आपके आंसरिंग के अंदर कुछ चेंजेस होने चाहिए. उन चेंजेस के अंदर सबसे पहली बात ये आती है
कि हम जब आंसरिंग करें तो अमाउंट डिस्कशन बिल्कुल लास्ट में होना चाहिए. द फर्स्ट थिंग इज जॉब अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंड अदर देन दैट, इफ यू आर फ्रेशर, आप कह सकते हैं सर जॉब चेंज डज इंक्लूड अ रिस्क, अगर आप एक्सपीरियंस है तो, और देयरफॉर डिजर्व्स अ सूटेबल इंक्रीज. जैसे इनको ऑलरेडी 2 साल का एक्सपीरियंस, 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, मगर अगर आप फ्रेशर हो तो आप ये भी नहीं कह सकते. आपको सिर्फ इतना ही कहना पड़ेगा कि सर मेरे लिए सर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन सैलरी. इसके अलावा सर मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी आप मुझे पे करेंगे वो मेरी एजुकेशन, वो मेरे एजुकेशन और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का इस समय पे आउट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही होगी. तो इट इज कोरिलेटिंग द बोथ थिंग्स. सो एक्सपीरियंस पर्सन को क्या बोलना है ये भी मैंने आपको बता दिया, और एक फ्रेशर पर्सन को क्या बताना है इसके अंदर. स्टूडेंट्स, आप हमारे वीडियोस को लॉन्ग टर्म लास्ट लॉन्ग जरूर देखते हैं. रीजन इज ओनली वन, बिकॉज लास्ट में आप लोगों को एक टिप जरूर देता हूं, टिप आपके बहुत काम आती है. आज का जो सेशन है उसके अंदर अगर मैं पूनम की तरफ लेकर चलूं डायरेक्शन, तो आपने बहुत सी बातें देखी होगी, कुछ हेजिटेशन थी, फर्स्ट टाइम शी इज फेसिंग दिस इंटरव्यू. बट द थिंग, जो चीज अच्छी थी वो ये थी कि ये पर्सनल एग्जाम्पल्स, यानी कि लाइफ रिलेटेड इस तरीके के एग्जाम्पल्स है जो रियलिटी के शो कर रहे थे. यही हमें इंटरव्यू में करना चाहिए, यानी कि जितना उसके आर्टिफिशियल नहीं रहना चाहिए. मैंने आपको जितने भी आंसर्स दिए अपने इंटरव्यू के अंदर, उन्हें मगअप करके, उन्हें अच्छे से क्रैम करके, फिर उन्हें नेचुरल बनाओ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन जस्ट मगिंग अप एंड ब्लड, जस्ट लाइक रिसाइटिंग समथिंग पोएम और स्मॉल किड इज रिसाइटिंग पोएम. इस तरीके से नहीं करना, हमको क्या करना है, उन्हें नेचुरल वे रखना है. तो अगर आप नेचुरल वे रखते हो, कुछ गलतियां भी करते हो, देन इट लुक्स एज इफ दैट आंसर इज योर्स रेदर देन ऑफ एनीबडी एल्स. आई होप कि इस मार्केटिंग सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा. तो इट्स द राइट टाइम टू गिव बेस्ट विशेस टू पूनम. ऑल्सो पूनम, माय बेस्ट विशेस टू यू.